चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा नीला आसमान हो रखकर बाकी सामने देखिए सूर्य देव यहाँ तक आ गए हैं। यहीं अगर गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मधुली और बिंदु आराम से निहार खा रहे हैं और यहाँ पर माँ जी अपने लिए पानी गर्म कर रही है और साथ में अभी मंजन भी कर रही है। तो माँ जी मंजन जो कर रही है, जो अखरोट है इसकी छाल से कर रही है और नहाने के बाद माँ जी भी जाएगी मंदिर में। नहीं माँ, बाकी अपने बापे की बात करें तो बापे जा रखे हैं सुबह से मंदिर में, क्योंकि मंदिर पे आज लास्ट दिन है तो आज यज्ञ भी होगा। बाकी उसके बाद खाना खाएंगे तो सभी लोग उसके बाद अपने इधर उधर जाएंगे और बाकी जो गांव की रौनक है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक सामने की बात करें तो दादी और बुआ जी भी मंदिर से होकर आ गए हैं। तो आज जब समापन हो जाएगा तो उसके बाद तो कुछ लोग उसी समय इधर उधर चले जाएंगे, यानी कि कोई देहरादून चले जाएगा, कोई उत्तरकाशी चले जाएगा, बाकी कुछ लोग कल चले जाएंगे और फिर परसों से तो यहाँ बहुत सोना सोना लगेगा गाँव में। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे गाँव का जो माँ दुर्गा का नया मंदिर बना में जो माता की प्राण प्रतिष्ठा थी, सारे गांव वाले दूर दूर से इस बार आए तो काफी अच्छा लगा। तो अनिता ने गर्मा गर्म नाश्ता बना दिया है तो नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं भी मंदिर में चले जाता हूँ क्योंकि मेरे बहुत परम मित्र है वहाँ जो कॉल करने की आ जाओ जल्दी। तो वैसे तो मैंने और बापे ने बैठना था अभी नाश्ता करने के लिए, लेकिन बापे सुबह से आज मंदिर में जा रखे हैं और आज बापे का व्रत भी है क्योंकि बापे ने आज वहाँ यज्ञ में बैठना है। तो हर गाँव के परिवार से एक एक लोग आज यज्ञ में शामिल होंगे और जब यज्ञ समापन हो जाएगा उसके बाद ही वो लोग खाना खाएंगे। तो चलिए, आंटी ने ला दिया गर्मा गर्म नाश्ता, धन्यवाद जी, वेलकम हो गया। और बाकी आज के नाश्ते में है आलू गोभी मटर की सब्जी और गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए जी, मैंने नाश्ता कर लिया है और बाकी बुआ जी भी नाश्ता कर रही है। बाकी बुआ जी मंदिर से होके आ गए दिने? चल ठीक है, कर नाश्ता आराम से, शर्मा मत है, जितनी भी रोटी खानी खा ले। हाँ शर्मा मत है बुढ़ापे में, खा आराम से खा। और बाकी अंदर तो बुआ जी कर रहे हैं नाश्ता, बाकी बाहर हमारी दादी जी यानी कि मेरी दादी की जो बेटी है वो अंदर नाश्ता कर रही है और दादी जी धूप में बैठ के कर रही है नाश्ता। ठीक हो रहा नाश्ता? बढ़िया। तो दादी और बुआ यानी कि दोनों माँ बेटी मंदिर से होकर आ गई नी? चलो ठीक है ठीक है, अब मेरी बारी भी है जाने की। हाँ जी, आप कब जाओगे? बाद में नहा के। चलो ठीक है भाई, अंता ने सबको नाश्ता करा दिया है, लास्ट में जाएगी अब। तो चलिए जी, फाइनली मैं रेडी हो गया और बाकी अब चलते हैं मंदिर में क्योंकि आज तो रौनक वहीं आई हुई होगी। वो रौनक सिर्फ आज की है, कल से तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देगा ज्यादातर। और जैसे ही मैं जा रहा था तब तक दयाराम, ओ दयाराम भाई क्या हाल है? बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है। दयाराम भाई भी लगे रहते भाई काम करने पे। बढ़िया है ना? टन साग कोई दिक्कत? सब बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है। तो सामने जिस खेत में खाना बन रहा है और सबके सर पे देखिए माँ की चुनरी सब ने सर में ओढ़ रखी है। बढ़ जाए नाम बढ़िया। अरे आज तो असली भक्त लग रहे हो आप। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी, आज गिलास की धुलाई हो रही है क्योंकि आज भंडारा है और आज स्पेशल क्रेडिट जाता हमारे बड़े भ्राता को। भाई जी थोड़ा इधर देखिए जरा, हमारे प्रोफेसर भाई साहब अगस्त मुनि से आ रखे हैं स्पेशल। बहुत बहुत बधाई हो आपको गांव में आने की। जय माता दी जय माता दी। चलिए फाइनली बापे से आपकी मुलाकात कराते हैं। गुड मॉर्निंग बापे। मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा? फाइन बापे, फाइन फाइन है। कैसा लग रहा है आज? अरे बहुत बढ़िया है, पर मुझे थोड़े से ना आज ऑडियंस दिखाई दे रहे थे सपने में। मुझे लग रहा था कि जैसे ऑडियंस याद कर रहे हैं। हाँ, तो किसी का कमेंट भी आया था कि आपके बापे वाले जब ऑडियंस के बारे में पूछते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत अच्छा, मुझे फिक्र रहता है। फिक्र रखो भाई, सही बात है। जो सुरक्षित रहे थे। चलो ठीक है ठीक है, जब सुरक्षित रहेंगे तभी जो है लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। जब थोड़ी मरोड़ा होगा तो तब नहीं कर सकते। सही बात है। चले अभी मैं बिजी हूँ, बातों को ज्यादा नहीं लूंगा। अभी मैं मंदिर में जाता हूँ, जो घंटी भेंट कर रखी माँ के श्री चरणों में उसको चढ़ाते हैं आज जरा, यानी कि उसको टंगते हैं आज साथ में। तो भाई साहब लोग भी तो चाहिए, अकेले नहीं बस के। तो आज सभी बच्चे भाई माँ के रंग में रंगे हुए हैं। तो चले जी, माँ के मंदिर में आज सभी भक्त लोग आ रखे हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं सारे हमारे गाँव के हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तो मेरे को लग रहा था यहाँ बहुत कम लोग हैं, लेकिन आज पता चल रहा है रियल में कि गाँव की कितनी पब्लिक है। चलिए जी, त्रिपुण भी लग गया भाई साहब, अब भक्त लग रहा हूँ। तो ठीक सामने जो ऊपर छत पे एक वो खुंडा बना रखा है उस पे संगल को टांगा जाएगा। जय माता दी 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 जय जय हो। चलिए जी, काफी रौनक है आज मंदिर में, काफी अच्छा भी लग रहा है। आज जो यज्ञ होगा वो यहाँ पर होगा।
लकड़ियों की कमी हो गई है, इसलिए सभी लोग अपने घरों से जो है लकड़ी लाने की कृपा करें। वैसे तो समय ऐसा हो गया कि अब जो भी त्योहार आ रहे हैं तो लोग घर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आज मुझे काफी खुशी मिल रही है कि माँ दुर्गा की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें सभी लोग शामिल हो रखे हैं, और ये मेरे ख्याल से बार बार ये मौका मुझे दिखाई नहीं देगा। पहले ही पहाड़ों में पलायन देखने को मिल रहा है, अगर ऐसा देखा जाए तो भाई साहब ये सोने पे सुहागा होगा, ऐसा नजारा काफी कम देखा जाता है गाँव में। मंदिर में हर कोई माँ की चुनरी से रखा हुआ है, तो हमने बड़े भाई जी से बोला कि यार हमारे लिए भी लाओ यार, तो भाई ने बिल्कुल ला दिया यार। बहुत बड़ी सेटिंग है यार तुम्हारी, कहाँ से लाई, ये मिलना तो बहुत मुश्किल है अभी। तो सर पे चुनरी बांधने का काम मैंने अंजलि को दे दिया है, यानी कि इसका लोकल नेम जो है वो है सपरी। सपरी चल फ्री लगा बांध। हालांकि मेरी दीदी ऐसी बात है, लेकिन इससे मैं मजाक करता हूँ। अब देखते इसका टैलेंट है, ड्रामा करने लगे और कुछ नहीं क्या यार। अब देखो बड़े भाई के पास, इसीलिए इसका नाम सपरी पड़ा साहब, ये सारा काम छोड़ दी थी आधे में। यहाँ चुनी क्यों मारी, क्या हो गया? आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कैमरे के आगे बोलने पा रहे, लेकिन चुपके से पीछे से चुनी मार रहे हैं, ये भी नया ट्रेंड चल रहा है आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भ्राता, चले जा अब जाके, मैं असली भक्त लग रहा हूँ। अब जाके हवन में अग्नि दी जा रही है, जो हवन में अग्नि दी जाती है वो छोटी बच्चे के हाथ से दी जाती है। जय माता दी, माँ के भक्ति में आज जवान हो, बूढ़े हो और साथ में छोटे छोटे बच्चे हो, सभी आज माँ की भक्ति में रंगे हुए हैं। लोकेश भाई भक्त लग रहा हूँ मैं, ठीक है। भक्त लोग दूर दूर से आज माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। तो जितने भी यजमान यज्ञ में बैठे हैं, सबसे पहले सभी लोगों से संकल्प कराया जाता है। क्या कर रहे हो नारियल में, क्या कर रहे हो, पेंच का कोई फील है क्या उसके अंदर कोई? ये देखिए साहब, अरे वाह, यहाँ इंजीनियर से लेकर हर कोई आ रखा भाई। और हमारे अखिल भाई भी आ गए हैं। हेलो अखिल भाई, स्वागत है आपका हमारे मंदिर में। थोड़ा भटिया भटिया के बोलो, मेरी आवाज से ज्यादा किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही यहाँ। और बोलो जोर से, खाना नहीं खाया? इन्होंने भी टाले बर्त रखा हुआ है। चलो बहुत बहुत बधाई हो। चलिए जी, आखिरकार मैं आपको अब वो मूर्ति के दर्शन कराता हूँ जिसको कि इस मंदिर में स्थापित किया गया है। तो चलिए जी, जैसे ही अंदर जाता हूँ और अपनी माँ के दर्शन हो जाते हैं, और देखिए जी हमारी माँ आज कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। और पिछले चार दिन से इसी कमरे में पहाड़ चल रहा है, और बाकी सामने पे अखंड दीपक भी जल रहा है, और माँ दुर्गा की जो मूर्ति का वजन है लगभग 90 से 95 किलो है। तो दिन की 2 बज रही है, तो मंदिर पर लगभग जो भी कार्यक्रम था वो लगभग संपूर्ण हो गया है, आरती भी हो गई है, यज्ञ भी हो गया है, और सभी लोग धीरे धीरे खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो कल तक तो इस खेत में खाना खा रहे थे, आज इस खेत में खाना बनाया जा रहा है, और बाकी जो सामने मकान है उस मकान की छत के ऊपर सभी लोग लाइन वाइज से खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने इधर उधर जाना शुरू कर देंगे, यानी कि जो शहरों से गांव की तरफ आ रखे हैं वो अपने शहर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सूर्य देव की बात करें तो लगभग यहाँ तक आ गए हैं, और बाकी अब 1 घंटे की धूप बची हुई है, और देखिए हमारे घर से तो लगभग धूप इधर की तरफ आ गई है, और जहाँ खाना बनाया जा रहा है वहाँ मातृ शक्ति गर्मा गर्म पूरियां बना रही है। तो चलिए जी, भाई साहब भी देहरादून से आ रखे हैं, और आज मस्त लग रहा है भाई, सब लोग काम कर रहे हैं मिलजुल के। चलिए जी, समय 3:15 बजे, और सूर्य देव भी चले गए हैं पहाड़ी के पीछे, तो कुछ लोग नीचे वाले छत के ऊपर खाना खा रहे हैं और कुछ लोग ऊपर वाले छत के ऊपर। तो फाइनली कार्यक्रम समापन हो गया, और बाकी जितनी भी ध्यानियां दूर दूर से आ रखी थी सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं अब। तो हमारे गांव की कुछ ध्यानियां ऐसी जो नजदीक गांव में जाएगी, लेकिन कुछ वीआईपी ध्यानियां हैं जो कि यहां से देहरादून जाएगी। जैसे ही देहरादून और वीआईपी का नाम लिया, हमारे दीदी ने गर्दन नीचे, हाँ जी ऊपर देखिए, या हाँ आंखों में जलन होने गई नहीं।
हाँ लग रही होगी, देखते हैं कितनी बार आते इसके बाद। बाकी सामने वाले धार के मकान के पीछे देखिए, वहाँ भी किसी ने आग लगा दी है। उस घर के जो लोग हैं वो आग बुझा रहे हैं, उन्होंने झाड़ियाँ हाथ पे रखी हुई और झाड़ियों से वो आग बुझा रहे हैं। तो चलिए जी, समय अभी 4 बज गए हैं, बाकी वहाँ का कार्यक्रम भी अच्छे तरीके से निपट गया है और यहाँ पूरी तरीके से धूप चली गई है। और यहाँ हमारे इतने सारे मित्र मंडली आ रखी है, सब अनीता के हाथ की चाय पीने के लिए आ रखे हैं, क्योंकि अनीता के हाथ से जो चाय बनती है ना उसके सब फैन है। हाँ भाई, कैसी लगती है चाय? मजा आता है ना? जबरदस्त है भाई। तो इसीलिए सब ने खाना खाने के बाद बोला कि पहले हम एक एक गिलास चाय जरूर पियेंगे, क्योंकि खाना भी तभी पचेगा। और बाकी यहाँ पर दादी भी बैठ रही है और दादी को बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। दादी बुखार तो नहीं आ रहा? ठीक है ना, पीड़ा हो रही है? हाँ। तो देखिए दादी को दर्द हो रहा है, एक्चुअली इस उम्र में दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो फाइनली अनीता बहन ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। तो जैसे कि मैंने कहा ही है कि आज जो कार्यक्रम है उसके बाद सभी लोग चले जाएंगे अपने अपने स्थान पे। ठीक है जी, हैप्पी जर्नी। ठीक है, ठीक है, टाटा। और अब गांव में बहुत सुनसान वाला माहौल हो गया है, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनमें से 60% लोग तो आज ही चले गए, बाकी जो कुछ बचे हुए हैं वो कल सुबह चले जाएंगे।